बेड के अंदर भूत तो नहीं? भूत भूत मम्मा कब कोई है, बचाओ मुझे। क्या भूत भूत चिल्ला रहे हो दोनों? क्या देख लिया तुम दोनों ने? पागल हो गए हो क्या? कहाँ देख लिया तुमने भूत? बेड के अंदर। बेड के अंदर? हाँ। ओह माय गॉड, मतलब ये घर सच में हॉन्टेड है, वरना ये बेड खुद से चल के कैसे आता? देखा मासी, मैंने कहा था चाची के बेड में भूत है। मैं निकालता हूँ उसके अंदर का भूत अभी और देखूं कौन मजाक कर रहा है। ये अरे इस बेड में दीमक लग गई है ना, तो बाकी का फर्नीचर खराब करने के लिए थोड़ी छोड़ सकती थी, इसीलिए मैं ही ले आई। सही किया ना? घर की तलाशी क्यों ले रहा है ये? तो बस एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से ना इस बेड को घर से बाहर करना होगा। फर्नीचर पर जब दीमक लगती है तो ऐसी मिट्टी मिट्टी नजर आती है ना। वीर को ढूंढते हुए ना मैं भी उसके बेडरूम में चली गई थी, जाके देखा तो कुछ मिट्टी मिट्टी जैसा पड़ा है। उनका पास जाकर देखती हूँ, पास जाकर देखा तो बेड में ना दीमक लग गई थी। बस बेड को निकाल के फौरन यहाँ पर ले आई, खराब हो जाता ना सारा फर्नीचर। माँ आप ये सब क्यों कर रही है? हाँ किसने बोला था आपको? मैंने सोचा कम से कम बेड को निकाल कर अपनी बेटी के ससुराल में कुछ तो काम आऊं। आखिर मेरी बेटी और मेरी सबसे अच्छी सहेली का ससुराल है, अब ऐसे नुकसान थोड़ी ना होने दे सकती हूँ। चल ठीक है परनीते, अब यहाँ तक ले आई है ना, यहाँ से नौकर बाहर ले जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से रख जो, हम ना इस बेड में दीमक की दवाई डालकर इसको स्टोर रूम में रख देते हैं, एक बार दीमक खत्म हो गई तो वापस बेडरूम में लगा देंगे। अटवालों के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि जो पलंग खराब हो चुका है उसको ठीक करा के हम फिर से इस्तेमाल कर ले। जिस चीज पे दीमक लग जाती है उसे जला दिया जाता है, नौकर पीछे की जमीन पे ले जाके इस पलंग को जला देंगे। इसका मतलब बेड के साथ हीर भी जिंदा जल जाएगी। हीर जी, हीर जी, लोहड़ी वाले दिन भी हीर जी को इसी कमरे में बंद किया गया था। वो चरनेल, परनीत आंटी, रजविंदर आंटी सबके सब हीर जी के दुश्मन बने बैठे। आज भी हीर जी को गायब करने में पता नहीं किसका हाथ है। बाबा जी, तो हीर जी की हर मुश्किल से रक्षा करना, वरना जिंदगी भर उनकी हिफाजत करने का जो मेरा वादा है ना उसने टूट जाना है। वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें यहां ढूंढता रहूं और वो कुछ नहीं होगा उसे। हीर एक नेक बच्ची है और रब अपने नेक बच्चों के साथ हमेशा भली करता है। मैं जानता हूं उनका मेहर भरा हाथ हमेशा उसके सर पर रहेगा और वो अंग संग सहाय होंगे। कुछ नहीं होगा उसे। अरे बेड को जलाने की क्या जरूरत है ना, दीमक की दवाई लगाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर वापस यूज आ जाएगा। मतलब इतना महंगा चीज है तो नुकसान क्यों करना? एक मिनट मम्मा, ये कोई वक्त है बेड को डिस्कस करने का? वहाँ मीडिया वाले बवाल कर रहे हैं। मम्मी जी मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया वाले इस तरीके से पेश आए कि हीर के गायब होने में वो हमें ही दोषी ठहरा दे। पुलिस की तलाशी में अगर हीर मिल गई तो फिर वो जेल में रहना पड़ेगा। अरे तेजी, तू बेकार में फिकर कर रही है। तुझे याद है ना
इस जीते ने कहा था हीर को ढूंढ के लेके आएगा, तो ढूंढ लेगा। कार में पुलिस को क्यों फंसाना ना बीच में, रहने दे। क्यों भाई, तू तो बड़ा सीना चौड़ा करके गया था कि हीर को ढूंढ लाऊंगा, ले आया? कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही वो। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी, और आपको मुझे नीचा दिखाने की पड़ी है। जीते, आवाज नीचे। इस कार में अपनी ऊंची आवाज किसी के आगे मत करना। ये मत भूल कि तू इस घर के रहमो करम पे पड़ा हुआ है। क्या लगता है तुझे, जरनैल ने गायब करा है हीर को? हाँ जी आंटी जी, और नहीं जानता मैं कि हीर जी को किसने गायब किया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो किसी घर वाले की ही हरकत है। और रही बात रहमो करम पर पलने की, तो माफ करना आंटी जी, और मैंने अपनी जिंदगी ना अपनी मेहनत और खुददारी के साथ बिताई है, और मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। वो तो हीर जी की जान को खतरा है, इसलिए बस उनकी हिफाजत के लिए आ गया मैं यहाँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? तू हम सब पे शक करता है? हमारी जासूसियां कर रहा था इस घर में रह के हीर के चक्कर में? हटवा सा, इस पराए बंदे को अपने घर में रखा हुआ था बिजनेस मैनेजर बना के। एक पराया आदमी आपकी बहू के चक्कर में इस घर में पड़ा हुआ था, इस बात से आपको कोई ऐतराज नहीं है? राजविंदर, इस वक्त नए तमाशे शुरू मत कर। हीर को ढूंढना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। सानी, सिमरत इधर। काफी भारी है, हम दोनों से नहीं उठ पाएगा ये। अरे भारी है तो और बंदों को बुला लो। तो मैं उठा देता हूँ। सारे घर में ढूंढ लिया, लेकिन हीर जी का कहीं पता नहीं चला। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हीर जी कहीं आसपास ही? एक बार और घर में देख लेता हूं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पाओ मिट्टी का तेल और जलाओ इसको, दीमक फैलनी नहीं चाहिए। दादू, चाची को कोई बुरे लोग उठा कर ले गए क्या? नहीं पुत्र, वो तो बाहर किसी काम से गई है, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। क्या पता तुम्हारे लिए कुछ लेकर वापस आए। ये तो आप सिर्फ हमारा दिल लिखने के लिए कह रहे हैं ना दादू। जब मुझे बैड लोग उठा कर ले गए थे तो चाची ने सबके साथ फाइट करके मुझे बैड लोगों से बचाया था। जिन लोगों ने चाची को उठाया है, अगर वो लोग मुझे मिल गए तो मैं भी उन सबके साथ फाइट करूंगा। हाँ पुत्र। जर्नैल पे जो तुमने इल्जाम लगाया, उसके लिए मैं चाहे कितनी भी नाराज रहूं तुमसे हीर, मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। रब करे तुम जहां भी हो सही सलामत हो। बाबा जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो कोई ता सुराग दे दो। मुझे पक्का लग रहा है कि हीर जी को कोई ना कोई खतरा है। बाबा जी मदद कर दो। बाबा जी
अटवाल भाई साहब, अपनी लाडो की फिक्र में मेरी जान निकली जा रही है और आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। प्रियंत सिंह जी, जितनी फिक्र आपको हीर की है उतनी फिक्र हमें भी है। तो आपने अब तक पुलिस को खबर क्यों नहीं की? बेन सिंह जी, शायद आपको पता नहीं होगा, रईस और रसूखदार लोग बात बात पे पुलिस वालों के पास नहीं चले जाते। हमारी भी अपनी इज्जत है समाज में। हीर अब आपकी बेटी नहीं है, अटवालों की बहू है। बहुत अफसोस की बात है कि आप हमें बिना बताए मीडिया के पास गए और हमारी इज्जत को तार तार किया, लोगों के आगे तमाशा बनाया अटवालों का। मेरा मुंह ना खुलवाना अटवाल पहनजी। अरे वैसे तो आप मेरी हीर को अपने खानदान की बहू कहते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा हक दिया है आपने मेरी बेटी को बहुआ वाला? आप तो पहले दिन से हीर को अपने घर से दूर रखना चाहती थी अटवाल पहनजी, शायद इसीलिए आपने पुलिस को इतला नहीं की। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने गायब कराया आपकी लड़की को? नीता आंटी जी कह रही थी वो बेड खाली था, फिर वो लोग उसे मिलके उठा के नहीं पा रहे थे। इसका मतलब उस बेड के अंदर जी, आंखें खोलिए। पुत्र, हीर जी, इसे जल्दी अंदर ले चलो। किसने किया ये हाल मेरी लाडो का? ये ख्याल रख रहे हैं आप मेरी लाडो का? यकीन मानिए बेन सिंह जी, मुझे नहीं पता ये किसने किया। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया, पर जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे उससे रिश्ता कोई भी हो। बेकार ही घबरा रही हूँ मैं भी। इससे पहले कि मुझे देख पाती, मैंने तो बेहोशी की दवाई छिड़क कर इसको बेहोश कर दिया था। लाडो,
लाटो तू ठीक तो है पुत्र? पापा जी रोइए मत, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पुत्र, आज अगर चीता एक मिनट भी लेट हो जाता। नहीं अंकल जी, तो मेरी लाडो की जान चली जाती। सोचकर रो कांप जाती है पुत्र। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। अंकल जी कैसी गल्लां कर रहे हो तुसी? बेटा कभी बाप पर एहसान करता है क्या? नहीं नहीं, लेकिन रघुवीर जी वो आपको उस पलंग के अंदर बंद किसने किया? किसी को देखा आपने? कमाल करते हो आप लोग। बेचारी अभी अभी तो होश में आई है ना, और आप लोगों ने सवाल पे सवाल खड़े कर दिए। इसने कैसे देखा होगा? उस टाइम तो बेहोश हो गई थी ना। वो आपको कैसे पता आंटी जी कि हीर जी बेहोश थी? वो ऐसा तो मैंने अंदाजा लगाया। खुद ही सोचो ना, दिन दहाड़े इस घर की बहू को होश में कौन उठा के ले जाएगा? नहीं आंटी जी, बेहोश होने से पहले मैंने शीशे में चेहरा देख लिया था। तू? आपने हीर को बेहोश करके पेट बॉक्स में डाल दिया मम्मा? तभी तूने दीमक वाली मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और बेड को बाहर लेकर जा रही थी। क्यों आंटी जी, वो क्यों आप हीर जी से इतनी नफरत करती है? वो आप उन्हें जला देना चाहती थी? नहीं 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 नहीं, मैं उसको मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अरे मुझे तो खुद नहीं पता था कि बात यहां तक आ जाएगी। मैं तो बस तेजी की लाइफ बर्बाद करने के लिए उसको सबक सिखाना चाहती थी। सबक सिखाना चाहती थी? मम्मा होश में तो है कि क्या बोल रही है? आपने हीर को जिंदा बेड बॉक्स में बंद कर दिया? अरे वो जल सकती थी, उसकी जान जा सकती थी, क्या कर रही हैं आप? आपने इस घर में मम्मी जी की ज्वेलरी चुराई,
मैंने कुछ नहीं कहा, आपको माफ कर दिया, but this is too much. मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी बेटी हूं. तेजी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है इस बार, मैंने जो किया ना बहुत गुस्से में कर दिया, प्लीज बस मुझे आखिरी बार माफ कर दे, बस इस बार माफ कर दे, मैं आगे से ऐसे कुछ, तुझे पता है वो उस दिन कहने वाली बात, वो मैंने मैंने नहीं की. पनीत, आज एक शब्द नहीं बनी थे, आज जो तूने किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है. भूल जाऊंगी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी.